कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों नहीं, 2-3 दिन बाद मैं दोबारा अपनी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट कोरमा, जो मेरे बच्चों की फरमाइश थी, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँ। और आज मेरे मामू भी मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मैंने कहा चले बना लेते हैं और साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आए मैं आपको अपने वाइट कोरमे के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये देखें वाइट कोरमे के इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने ली है छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, कुटी हुई मोटी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और नमक हसबे जायका, और ये हरी मिर्च के चटनी मैंने बना ली थी जो इसके अंदर मैंने डालनी है, और ऑयल जो मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है, और मिल्क पैक, क्रीम और योगर्ट मैंने लिया है 1.5 प्याली। और ये देखें, ये मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। ये हमारे प्याज हैं 3 बड़े, मैंने प्याज ले लिए थे, ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। और 1 किलो मैंने चिकन लिया है, लहसुन, इसमें डालेंगे दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची। ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको दही में डाल के ग्राइंड कर लूंगी। ये देखें हमारा ये भी हो गया, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने पहले से कूट के रखा है 1 चम्मच बड़ा वाला, आपने इसको अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो आज मेरे मामू आ रहे थे, मैंने सोचा मैं ये रेसिपी बना लूँ और आप सबके साथ भी शेयर कर लें। और यार मुझे आप अपना ना अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, मेरे वीडियोस पे भी लाइक्स बहुत कम है। ये हो गया, अब इसमें हम डालेंगे चिकन। हमारे प्याज फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसको निकालने लगी हूँ ताकि मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँ। आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। ये मैं उन बेटियों के लिए बना रही हूँ जिनको अभी बिल्कुल खाना नहीं बनाना आता, इसलिए मैंने अपने ये कुकिंग स्टार्ट किए बिल्कुल जो है ना आसान और मज़ेदार। जो 3 बेटियाँ
जिनको बहुत शौक है खाना बनाने का, आप उनको ये वीडियोस दिखाएं ताकि मेरी वीडियोस देख के वो भी ट्राई कर सकें। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अब आपने इनको निकाल लेना ताकि इसका ऑयल जो है अच्छी तरह से निकल जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च, मोटी वाली जो मैंने ली थी वो मैंने पीस ली थी, काली मिर्च पाउडर और नमक हसबे जाएगा। आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मसाले में भूनना। इसके बाद आपने डाल देनी है ये हरी मिर्च जो मैंने पहले से कूट के रखी थी, ये 8 से 9 हरी मिर्च है मेरे पास। कुकिंग का बहुत शौक है, बस मैं कहती हूँ मैं जो कुछ अपने साथ अपने घर में बना रही हूँ मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम इसको ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और उतनी देर हम अब मैंने जो ये योगर्ट लिया था दही, ये 1.5 प्याली है, इसमें मैं डालूँगी प्याज, ये जो मैंने पहले से फ्राई करके रखे थे। ये हमारे प्याज जो हैं ब्लेंड हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी बादाम, ये भी इसी में डाल के मैंने ब्लेंड कर लेना। इसको भी आपने अच्छी तरह से चिकन हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे दही जो मैंने लिया हुआ था, इसके अंदर मैंने 3 प्याज ऑयल में ब्राउन कर लिए थे और इसमें बादाम थोड़े से डाले थे, अब मैं इसमें ये ऐड करने लगी हूँ। इसको हमने 30 मिनट तक पकाना है, उसके बाद हम मिल्क पैक क्रीम डालेंगे। ये देखें
चिकन हमारा डल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करने हैं अच्छे, और सब्सक्राइब भी करना है। अब आपने आंच हल्की कर देनी है और 15 मिनट तक इसको पकने देना। बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और अभी जब जैसे ही कौरमा मेरा तैयार होगा, वाइट कौरमा, मैं इसको डिश आउट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।